morning students, welcome all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you exercise 6.2 and your first question is question number 16. 16 number हुआ नहीं हुआ? नहीं. सिद्ध कीजिए fx equal to log sin x. देखिए fx equal to log sin x ये दिया हुआ है और इंटरवल है 0 टू पाई बाई 2 में वर्तमान है और पाई बाई 2 से पाई में ह्रासमान है. इसको डिफरेंशिएट करो. एफ डैश एक्स इक्वल टू इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा? साइन एक्स का कॉस एक्स ये हो जाएगा कॉट एक्स. एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉट एक्स. अंतराल किस अंतराल में देख रहे हैं आप? 0 से पाई बाई. अभी देखिए यहाँ पर वर्तमान कहा है, केवल वर्तमान, निरंतर वर्तमान तो नहीं कहा है ना. तो जब वर्तमान कहा है तो आपको ये इंटरवल अपने आप लगाना है. कौन सा लगाएंगे? क्लोज इंटरवल लगाएंगे आप. ठीक है, जीरो और पाई बाई टू पर भी चेक करना है इसका मतलब हुआ ना. तो आप देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, जीरो टू पाई बाई टू पहला चतुर्थांश होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या सभी पॉजिटिव होते हैं. तो इसमें क्या हो जाए अंतराल में कॉट एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो. ग्रेटर देन जीरो होगा और इन पर क्या होगा? इक्वल टू ही जीरो हो जाएगा. जब आप देखेंगे कॉट जीरो पर यहाँ पर कॉस जीरो पर, तो कॉस जीरो पर ये क्या हो जाएगा? कॉस नाइन्टी पर, कॉस नाइन्टी पर देखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा. सॉरी, कॉस नाइन्टी पर ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. ठीक, तो ये जो है जीरो के इक्वल भी है और ग्रेटर देन भी आ रहा है. तो अब अतः आप क्या कह सकते हैं? अतः एफ डैश एक्स जो होगा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तो फलन क्या होगा इस अंतराल में? वर्तमान होगा, वर्तमान होगा ना कि निरंतर वर्तमान. फलन वर्तमान होगा. अगला अंतराल क्या है? पाई बाई टू से पाई. ये कौन सा चतुर्थांश होगा? सेकेंड वाला. और सेकेंड में कॉट का साइन कैसा होता है? माइनस का. में कॉट एक्स जो होगा वो लेस देन होगा और इक्वल टू जीरो होगा. ठीक है, पाई बाई टू पर क्या होगा? इक्वल टू जीरो और सब पर क्या होगा? लेस देन. ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो. फलन ह्रासमान होगा. फलन ह्रासमान होगा. ओके, इजी, बहुत अच्छी नहीं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है आपका log एफ एक्स इक्वल टू log mod cos x. mod तो यहाँ पर होता ही है, डिफरेंशिएट करेंगे f डैश x. तो पहले क्या होगा? 1 अपॉन cos x और cos x से क्या हो जाएगा? sin x. फिर से डिफरेंशिएट करो, माइनस sin x. तो f डैश x इक्वल टू हो गया माइनस tan x, माइनस tan x. अब देखिए किस इंटरवल में आपको चेक करना है. एक है 0 टू पाई बाई 2 अंतराल 0 टू पाई बाई 2. अब देखिए इसमें आपको चेक करना है अंतराल इतने में वर्तमान और इतने में ह्रासमान. निरंतर शब्द नहीं लगाया. तो जब निरंतर शब्द नहीं है तो हमको इंटरवल अपने अकॉर्डिंग लगाना है. बुक में तो कुछ भी वैसे सामान्य ब्रैकेट लगा रखा हुआ है. ठीक है, अंतराल इतने में tan x क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. tan x की अगर केवल बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहला चतुर्थांश, सभी पॉजिटिव होते हैं. तो जीरो पर होगा, जीरो पर चेक करोगे तो जीरो आ जाएगा. ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये माइनस tan x क्या हो जाएगा? माइनस tan लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा. ये पॉजिटिव है तो ये माइनस लगाना क्या होगा? लेस देन ये हो जाएगा. अब यहीं पर हम क्या लिख सकते हैं? f डैश x आता f डैश x इज लेस देन ये लेस देन हो जाएगा. देखो अंतराल इतने पर जब करेंगे tan तो पॉजिटिव होता है लेकिन यहाँ पर ये जो है नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? पूरा नेगेटिव हो जाएगा. और ये लेस देन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ह्रासमान, ह्रासमान हो जाएगा. ये ठीक है. अगला अंतराल देख लीजिए, अंतराल पाई बाई टू से पाई में. ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई.
ये अंतिम कौन सा है? चौथा अंतराल है, फोर्थ, 270 से 360। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है 10। तो फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब है इसका मान कैसा आएगा? लेस देन 0 है, ये नेगेटिव होगा ना इस मान पे। अगर आप माइनस साइन ये भी ले लोगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मान नेगेटिव आएगा लेकिन ये साइन माइनस साइड होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दोगे अतः माइनस टेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पर लेस देन हुआ था, यहाँ पर क्या हो गया? ये ग्रेटर देन हो गया। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फलन वर्तमान होगा, फलन वर्तमान होगा, पहले आसमान होगा फिर उस पर वर्तमान होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 100। डिफरेंशिएट करिए फर्स्ट टाइम, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 f डैश x इक्वल टू, आपको दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि r में दिया गया फलन ये सदैव वर्धमान होगा। r में मतलब रियल नंबर में, ठीक है, रियल नंबर में। इसमें क्या करिए, 3 कॉमन ले लीजिए तो बच रहा है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये बचेगा 3 और ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये बचेगा ना। तो यहाँ पर देख सकते हो फॉर ईच एक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, एक्स का प्रत्येक मान, रियल नंबर का कोई भी मान यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, तो ये क्या होगा? या जीरो होगा या बड़ा मान होगा, क्योंकि अगर यहाँ माइनस भी आ गया तो स्क्वायर है ना इसका, तो प्लस हो जाएगा ना। तो फॉर ईच एक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर जो एफ डैश एक्स है ये ग्रेटर देन जीरो या जीरो। देखिए रियल नंबर में आप जानते हो टोटल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी मींस जिसमें आयोटा आ जाता है, आई आता है, ठीक है। उसके अलावा सभी रियल नंबर हो चाहे भिन्न हो, चाहे डेसिमल नंबर हो, चाहे कोई भी हो, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी नंबर आप रख लीजिए, जब वन रखोगे तो क्या मिलेगा? जीरो, ठीक है, वन भी तो रियल नंबर है। और उसके अलावा कोई भी रियल नंबर रखो तो ये स्क्वायर लगा, इसलिए ये पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव कभी नहीं आएगा। तो इसलिए कह सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, अतः फलन क्या होगा? फलन वर्धमान होगा, वर्धमान हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, fx इक्वल टू x स्क्वायर e टू द पावर माइनस x। आपको चेक करना है कि किस अंतराल में ये जो होगा फलन वर्धमान होगा। डिफरेंशिएट कर लीजिए f डैश x इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे f1 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ टू प्लस एफ टू एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसका क्या होगा डिफरेंसिएशन? ये माइनस का है प्लस ए टू द पावर माइनस एस, इसका क्या हो जाएगा? टू एक्स, ठीक है। अब आपको यहाँ से इंटरवल निकालना है, इंटरवल निकाल लीजिए कोई भी, तो अंतराल यहाँ से जो निकलेंगे अंतराल के लिए एफ डैश एक्स को क्या करोगे? जीरो के बराबर कर दोगे, तो आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स टू एक्स इक्वल टू जीरो। इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा? ई टू द पावर माइनस एक्स, और फिर कॉमन हो जाएगा एक्स, और यहाँ पर बस क्या रहा है? माइनस का एक्स, और यहाँ पर बचेगा प्लस का टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आएगा? 2 आ जाएगा, ठीक। और इसको जब आप 0 के बराबर ले रहे हो तो यहाँ से क्या आ जाएगा? लॉग में बनेगा मान x, वैसे अंतराल से साथ दे ही रखा है हमको, अच्छा अंतराल इसमें सारे दे रखे हैं, तो अंतराल आपको निकालना ही नहीं है, अंतराल नहीं निकालना है, केवल आपको चेक करना है। तो पहला अंतराल दिया है माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट, आप सब पर चेक करके देख लेंगे, अंतराल दे रखा है माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट। तो ये मान जब आप रखोगे तो देखो यहाँ पर रखोगे, जैसे ही इन्फिनिट रखोगे, इन्फिनिट के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब क्या हो जाता है? इन्फिनिट हो जाता है। तो अपरिभाषित फलन हो जाएगा, इसमें ना तो वर्धमान आ जाएगा ना तो ह्रासमान होगा। अगला देखिए दिया हुआ माइनस टू एंड जीरो,
माइनस टू कमा जीरो, और यहाँ पर ये लिए जाएंगे माइनस टू और जीरो। देखिए माइनस टू और जीरो है, इनके बीच में माइनस वन आएगा ना, माइनस वन पर देख लीजिए क्या आ रहा है। जब माइनस वन रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर माइनस का वन रखोगे तो e की पावर वन आ जाएगी, यहाँ पर माइनस वन रखोगे तो माइनस आएगा ना, और प्लस यहाँ पर माइनस वन रखोगे तो पावर e की पावर हो जाएगी वन, और यहाँ पर फिर से आप माइनस वन रखोगे तो आ जाएगा माइनस का टू। कैसा आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है ना, माइनस का थ्री e आ रहा है, तो क्या होगा, ह्रासमान होगा इस पर भी। अब अगला है टू कामा इनफाइनाइट, उस पर चेक कर लीजिए, टू कामा इनफाइनाइट, तो इसके बीच थ्री आता है, थ्री पर चेक कर लीजिए, थ्री रख करके देखिए यहाँ पर थ्री रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस नाइन आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर माइनस थ्री, प्लस यहाँ पर थ्री रखेंगे तो सिक्स आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर माइनस थ्री, तो माइनस का फिर से आ रहा ना, माइनस का थ्री ई टू दी पावर माइनस थ्री आ रहा, तो इस पर भी क्या हो रहा, ह्रासमान हो रहा। आपको वर्धमान चेक करना है, दूसरा दिया जीरो कामा टू, जीरो कामा टू में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जीरो और टू के बीच में क्या होता है, वन होता है ना, इसके बीच की किसी वैल्यू पर चेक कर लीजिए बस, तो वन इसमें जब रखोगे तो माइनस का वन और ई की पावर माइनस वन, यहाँ पर जब एक्स का मान वन रखोगे तो आ जाएगा टू एंड ई की पावर वन रखे माइनस वन। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा टू, ये मिलेगा ई की पावर माइनस वन, जो कि हो जाएगा वन अपॉन ई, एंड दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू, ई की वैल्यू जो होती है थ्री बाई टू के आसपास होती है, तो ये जो है एक धनात्मक मान मिलेगा, अतः केवल इस पर फलन होगा वर्धमान, और सभी पर क्या होगा, ह्रासमान होगा।